मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत यह है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए, और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए, वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। जहाँ तक सोनिया गांधी जी हैं या राहुल जी और प्रियंका जी हैं, दशकों से हमारे संबंध इस परिवार से भी हैं, पार्टी के साथ तो हैं ही, और ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है, और मुझे लगता है कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में बीजेपी हार रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकारें बन रही हैं। हिमाचल में बनी है, कर्नाटक में बनी है, और जहाँ वोटिंग संपन्न हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान के संदर्भ में ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, पर देश के लिए भाजपा का क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या योजना है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल इशूज़, वेलफेयर स्कीम्स और आपने आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर संवाद और चर्चा होनी चाहिए, वो करने से बीजेपी भागती है, इसीलिए इस प्रकार के तथ्यहीन बयान दिए जाते हैं।